गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग फाइन. गाइस, एज यू नो, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच इज फुल ऑफ वर्सेटाइल वर्ड्स, राइट? इतने सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे जो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, और हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस कवर कर चुके हैं उसके ऊपर. लाइक हम सेट के ऊपर बना चुके हैं बहुत सारे सेंटेंसेस, गेट के ऊपर बना चुके हैं, टेक के ऊपर बना चुके हैं. एंड अगेन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर वर्सेटाइल वर्ड विच इज टर्न. और हम टर्न से आज देखना बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. तो आपको मेरे साथ करना है प्रैक्टिस ताकि आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए. सो गाइज, हियर आर द सेंटेंसेस फॉर यू. तो वर्सेटाइल वर्ड टर्न हमने लिया है, आइए स्टार्ट करते हैं. तो पहला सेंटेंस है, आपकी बारी है बोलने की. तो इसको कैसे बनाओगे इंग्लिश में? इट्स योर टर्न टू स्पीक. तो एज यू कैन सी यहाँ पे टर्न आया है. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसने चाबी घुमाई और दरवाजा खोल दिया. अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? ही टर्न द कीज एंड ओपन द डोर. अगेन हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? टर्न. लेकिन ये पास्ट टेंस यूज हुआ है, घुमाई सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है. अगर टेंस नहीं आते हैं तो पुरानी वीडियोस देख लेना, मैं यहाँ पे लिंक लगा दूंगी, आप चेक करना और समझना, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा कि कैसे ये यूज हुआ है, सेकेंड फॉर्म क्यों यूज हुई है टर्न की, टर्न यूज हुई है, राइट? थर्ड सेंटेंस देखिए, अगले सप्ताह में मौसम ठंडा हो जाएगा. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द वेदर विल टर्न कोल्ड नेक्स्ट वीक. टर्न, अगेन यहाँ पे हमने टर्न यूज किया है. नेक्स्ट देखिए, उसने टीवी की आवाज को कम किया. ही टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ द टीवी. अगेन यहाँ पे पास्ट फॉर्म यूज हुई है टर्न, सेकेंड फॉर्म यूज हुई है जो सेम इस वाले सेंटेंस में यूज हुई थी. तो अगर आपको कंफ्यूजन है सिंपल पास्ट टेंस में, मैं आपको दोबारा बोलूंगी, वीडियो चेक कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं टेंसेस की भी. नेक्स्ट सेंटेंस, वह पिछले हफ्ते 30 की हो गई. शी टर्न 30 लास्ट वीक. आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमने टर्न का यूज किया है. नेक्स्ट देखिए, दूध खट्टा या खराब हो गया है. द मिल्क हैज टर्नड सावर. टर्नड यूज हुआ है यहाँ पर भी. नेक्स्ट, वह पूरी रात करवट बदलती रही. शी केप्ट ऑन टॉसिंग एंड टर्निंग होल नाइट. करवट बदलने के लिए हम यूज करते हैं टॉसिंग एंड टर्निंग. नेक्स्ट देखिए, उन्होंने प्रस्ताव को नकार दिया, मतलब मना कर दिया. दे टर्नड डाउन द प्रपोजल. टर्न डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज को मना कर देना. दे टर्न डाउन द प्रपोजल. नेक्स्ट सेंटेंस, खराब मौसम के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा. दे हैड टू टर्न बैक ड्यू टू बैड वेदर. तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी टर्न यूज हुआ है. नेक्स्ट सेंटेंस, बातचीत ने गंभीर मोड़ लिया. द कॉन्वर्जेशन टुक अ सीरियस टर्न. तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी टर्न यूज हुआ है. अब एक सेंटेंस आपके लिए है, उसने अपने शौक को सफल बिजनेस में बदल लिया. अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है. एंड गाइस, आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ आए हैं जो हमने टर्न से बनाए हैं. और आपको सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है बाय राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज वीडियोज विद योर फ्रेंड्स. मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वीडियोज आपके काम आ रही है और मेरी मेहनत सफल हो रही है. तो आप मेरे को भी सपोर्ट कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके. विल मीट इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.